गाइस वेलकम बैक। तो गाइस मैंने फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट बालकनी का मैंने आपसे शेयर किया था, और सेकंड ये है बालकनी जिसका कि मैं मेरे गार्डन का ओवरव्यू का सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो इसमें सनलाइट काफ़ी कम आती है, मॉर्निंग में 6 to 7 ही आती है, बस उतने में ये प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इसमें सनलाइट नहीं है। हाँ, ब्राइट लाइट रहती है सारा दिन। तो ये मैं सबसे पहले शेयर करूँगी, ये जो मैंने लगाया है एक पॉट, तो ये हैंगिंग में तो मैं नहीं लगा पाई, इसलिए मैंने ये बालकनी में जो सिलेंडर पड़ा था ना, मैंने उसके ऊपर रख दिया। इसमें टर्टल वाइन है और ये बेबी सनरोज़ बड़े अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो इसने ना पूरे सिलेंडर को कवर भी कर लिया है। अभी आपको जैसे पॉट भी नज़र नहीं आ रहा हो कि पॉट कैसा है, तो एक तो इसने मेरे को जगह मिल गई पॉट को रखने की, और दूसरा इसने बड़े अच्छे से इसको कवर कर लिया। देखिए कितने नीचे तक, बेबी सनरोज़ भी कितने नीचे तक हैंग हो रहा है, और यहाँ पे भी इतना ज़्यादा ये फैल गया है। तो एक पॉट में ही मैंने टर्टल वाइन और बेबी सनरोज़ एंड ये मैंने वॉलिवियन जीव भी लगा रखी है, तो सारे ही एक वंडरिंग जीव भी थोड़ी सी लगी हुई है, सारे बड़े अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं एक पॉट में ही। तो आप भी ऐसे लगा सकते हैं अगर आपके पास ये एक कुछ ऐसे ही तरीके से आपके पास भी बाल कुछ आपको कवर करना हो तो, और वैसे भी अभी सीज़न है इसका, तो बड़े अच्छे से ये ग्रो होंगे। और ये है मेरी सेंसिवेरिया की कलेक्शन जो मैंने यहाँ पे ऊपर रख रखी है सारी। तो इसमें सबसे पहले ये जो सेंसिवेरिया छोटे से पॉट में मैंने लगाया हुआ है, देखिए इतना सा ही पॉट है बिल्कुल, जिसमें ये बड़े अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो अभी मुझे लग भी नहीं रहा कि ज़रूरत है इसे यहाँ से निकालने की और रिपोर्ट करने की, तो इसलिए अभी मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया। मेरे को ऐसे ही अच्छा लग रहा है ये छोटे से पॉट में, कहीं भी उठा के इसको, ये रूट बाउंड हो चुका है, ऐसे भी उठा के लगा कहीं भी लगा दो ख़राब नहीं होता। ये गोल्डन है, गोल्डन वाला सेंसिवेरिया बड़ा प्यारा है गोल्डन, और इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, इसमें ये ग्रीन है और साइड्स पे येलो है, बट इसके बीच में सारे गोल्डन सा कलर है, ये येलो नहीं ये गोल्डन कलर है। और ये मैंने एक DIY बना के खुद स्नेक प्लांट लगाया हुआ है। स्नेक प्लांट तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लगा रखे हैं क्योंकि ये एयर प्योरीफायर है, तो मैंने काफ़ी इनको प्रोपगेट भी किया है। और ये ड्वार्फ की वैरायटी है ग्रीन वाली, और ये वेरीगेटेड वाली सेम ड्वार्फ की वैरायटी है, और ये मैंने लगाया हुआ है, ये पप्स निकाल के लगाया सारे मैंने मदर प्लांट से, मैं मदर प्लांट भी अभी दिखाऊंगी आपको। और ये मैंने प्रोपगेट किए थे, देखिए लीफ मैंने साथ में ही लगाई हुई है, और ये इसके लीफ ग्रीन है, इसमें वेरीगेशन नहीं है। और ये भी मैंने प्रोपगेट किया है, और ये वाला सिंपल ग्रीन है, इसका देखिए ये पप भी आ गया है यहाँ पे एक। और ये वाला ये भी मैंने प्रोपगेट किया है, वो आप लीफ देख सकते हैं बीच में, वो वेरीगेटेड लीफ भी है। तो उसी से ये सारा जो है स्नेक बना है, एक लीफ से, देखिए एक लीफ से ही आप कितना ज़्यादा प्लांट ले सकते हैं प्रोपगेट करके। और इसमें ये पत्थर चट्टा लगा है, या किंग ऑफ थ्रोन्स लगा हुआ है, और ये एलोवेरा लगी है, एक एलोवेरा यहाँ पे लगी हुई है DIY पॉट में। और इसके साथ ही ये जो अपने आप ही लगा, मैंने नहीं लगाया, शायद तुलसी की कोई वैरायटी है ये, शायद कहीं से सीड आके गिर गया पॉट में। और इसमें से बड़ी अच्छी ना खुशबू आती है, जब भी हवा चलती है तो बड़ी अच्छी प्यारी स्मेल आती है इसमें खुशबू। तो उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको सेंसिवेरिया मदर प्लांट, जिससे मैंने ये सारे लीव्स और सारे पप्स निकाल के अभी जो शेयर किए थे लगाए हैं, और ये है, ये काफ़ी बड़े पॉट में लगा हुआ है मेरे, इसका पॉट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, देखिए और कितना ज़्यादा ये ग्रोथ कर गया अच्छे से। और इसमें ही मैंने ये साइड पे टर्टल वाइन लगा रखी है, टर्टल वाइन तो मैंने काफ़ी जगह लगाई हुई है ऐसे ही हैंगिंग में, क्योंकि बड़ी प्यारी लगती है ये मेरे को। तो इसमें और भी कई प्लांट लगे हुए हैं, जैसे ये विंका भी इसी पॉट में लगी हुई है, और बड़े प्यारे फ्लावर्स आते हैं इसमें, ये देसी वाली विंका है। और इसके बीच में मैंने सक्यूलेंट्स भी लगाए हुए हैं कुछ, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पे सक्यूलेंट्स लगे हुए हैं, ये मदर ऑफ थाउजेंड भी लगाया इसमें। और उसके बाद है ये मेरा पोथोस वेरीगेटेड वाला, इसमें बड़े अच्छी वेरीगेशन है, ये वाइट कलर के वेरीगेशन आते हैं ग्रीन में। और ये कुछ सक्यूलेंट्स ही लगे हैं, ये वॉन्डरिंग जीव, और यहाँ पे भी बेबी सनरोज में एक फ्लावर भी आ गया है। तो इवन यहाँ पे धूप नहीं इतनी आती फिर भी ये बड़े अच्छे से ग्रो करती है इस बालकनी में भी,
और कुछ ये सक्यूलेंट्स लगे हुए हैं, ये पॉट मेरे से टूट गया था तो इसमें भी मैंने छोटे छोटे प्लांट्स लगा दिए। ये फिर से सेंसिवेरिया, मैंने बताया ना सेंसिवेरिया तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लगा रखा क्योंकि इसके काफ़ी बेनिफिट्स है, तो एयर को प्योरीफायर करता है, तो ये मैंने काफ़ी लगाया है, मेरे को अंदर इंडोर भी रखना है इनको। और इसमें भी मैंने एक पॉट में कई लगाए हुए हैं, ये एलोवेरा लगाया है, वॉन्डरिंग ज्यू इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लगी है, देखिए वॉन्डरिंग ज्यू कितनी ज़्यादा लगी है। ब्राइट लाइट में भी ये प्लांट्स बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं, ये नहीं कि आपको सनलाइट ही चाहिए इनके लिए। और ये है रोइयो वेरिएटेड वाला, गोल्डन वाला, इसके पीछे से ये पर्पल होते हैं जैसे ग्रीन और पर्पल होते हैं, ये गोल्डन में, ये भी पीछे से। और ये एक पिंक लांचो है जिसकी काफ़ी बार मैं वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर से अगेन मैंने ये DIY बनाया थर्माकोल की शीट लेके, तो उसमें भी टर्टल वाइन आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हैंग हो रही है और कितनी अच्छी लगती है ये यहाँ पर लगी हुई, ये सारी टर्टल वाइन है। तो टर्टल वाइन को लगाना भी बड़ा आसान है, मैं इस पर भी ज़रूर एक वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और इसमें ही मदर ऑफ मिलियंस लगा हुआ है, ये देखिए थर्माकोल की शीट को काट के ही जो लगा बनाया उसमें ही है, ये मदर ऑफ मिलियंस है जिसके पप्स भी आ गए हैं, ये पप्स हैं इसकी। और ये दूसरी वैरायटी है मदर ऑफ मिलियन की जो यहाँ पे नीचे निकल गई है बाहर की तरफ बालकनी में ग्रिल से, इसके लीव्स बड़े होते हैं। मदर ऑफ मिलियन में भी काफ़ी वैरायटीज आती है। और इसमें ये डेविल्स बैकबोन लगी हुई है, एक डेविल्स बैकबोन मैंने यहाँ पे आपको दिखाई, ये बड़ी बुशी हो गई है, बिना वही सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं है इनको, बस ब्राइट लाइट मिलनी चाहिए फ्रेंड्स। और उसके बाद ये मेरे सक्यूलेंट्स, तो सक्यूलेंट्स तो इस गर्मी में इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं ना, मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरे खुद के सक्यूलेंट्स बड़े ख़राब हो गए गर्मी में। अभी रेनी सीजन स्टार्ट हुआ था तो अभी दोबारा से इनमें ग्रोथ हो रही है बड़ी अच्छी सी, तो ये जो बचे हैं सक्यूलेंट्स वो हैं, ये मैंने सारे लीव से प्रोपोगेट किए ये वाले। और ये है होवर्थिया की कलेक्शन और कैक्टस की, ये देखिए ये कैक्टस की जितने भी कैक्टस है वो मैंने एक साइड पे रखे हुए हैं। और ये होवर्थिया, ये सारी होवर्थिया की वैरायटीज है और कैक्टस ये छोटे से कप में लगा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।